आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। प्रखंड मुख्यालय के मनरेगा भवन सभागार में सभी बीएलओ के साथ वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने हेतु एसडीओ मनोज कुमार ने बैठक की। बैठक के दौरान एसडीओ ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार सभी मतदाताओं को वोटर कार्ड से आधार को लिंक कराना अति आवश्यक है। यदि आधार से लिंक जिस मतदाता का नहीं होगा तो वोटर लिस्ट से नाम हटाने का निर्देश जारी किया गया। सभी बीएलओ को निर्देश दिए गए कि घर घर जाकर हर हाल में सभी मतदाताओं को जागरूक कर वोटर कार्ड से आधार को लिंक करना अति आवश्यक है। कोई मतदाता छूटे नहीं, इस पर ध्यान देना जरूरी होगा। बैठक में प्रखंड के सभी बीएलओ मौजूद रहे तथा बीएलओ डी गायत्री कुमारी ने बताया कि सभी बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी को आधार जो है जुड़वाना जरूरी है अपने वोटर आई कार्ड के साथ। तो बीएलओ आपके घर पर जाएंगे या बीएलओ से संपर्क कर उनको अपना आधार कार्ड जो है उपलब्ध करा दे, ताकि जो है आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड जो है टैग हो सके दूसरे से, और समय सीमा भी निर्धारित है। तो इसके लिए आप लोग अपना जल्द से जल्द आधार कार्ड जो है बीएलओ को दे दें, या अपने मोबाइल पर वोटर एक ऐप है, उसको ऐप पर जो है जा करके स्वयं भी अपना जो है गरुड़ ऐप तो बीएलओ के लिए है, गरुड़ ऐप हाँ एक जो है मतदाताओं के लिए भी है, उस ऐप को डाउनलोड करके और जो है वोटर हेल्पलाइन ऐप है उस पर जा करके अपना आधार कार्ड स्वयं से भी जोड़ सकते हैं। उस पर ओटीपी आता है, अपने से जोड़ सकते हैं या बीएलओ को दे के जोड़ा। नया मतदाता भी जुड़ने का भी कुछ नया मतदाता तो चलते रहता है, साल में चार बार समरी रिवीजन होता है, जैसे तीन बार होता है, एक जनवरी से लेकर अप्रैल तक, जून से लेकर के सितंबर तक, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। वो कभी भी अपना जो है बीएलओ को दे करके फॉर्म, या फिर जो हमारा एनबीएसपी पोर्टल है उस पर फॉर्म भर के कभी भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अभी मन है तो अभी एनबीएसपी पर फॉर्म भर दीजिए, आपका 18 साल से ऊपर हो गया है तो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।